हेलो गाइस, वेलकम बैक आप लोगों को शंकर वर्मन ब्लॉग्स पर। तो यार, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्लस टू का ऑनलाइन हम कैसे करेंगे, और आज मेरे माइंड में और एक टॉपिक आया है। हम अपना कॉलेज का फोटो एडिटिंग कर रहे थे, मैं कर रहा था, तो मेरे माइंड में आया कि ना हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे बोल के। तो आज है टॉपिक का नाम हाउ टू एडिट ग्रुप फोटो। तो हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, तो उस वक्त हमने लिया था एक ग्रुप फोटो, तो इसको एडिट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने एडिट किया और स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पुराना वाला फोटो है गाइस, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो ऊपर का पार्ट है वो रिमूव हो गया, तो उसको हम लाएंगे। तो उसको लाने के लिए सेम वाला फ़ोटो हम एक ठो इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि उसमें पूरा ऊपर का पार्ट भी दिखा होगा। तो जब आप क्लिक कर रहे होगे तो एक क्लिक तो नहीं करोगे, दो तीन ठो क्लिक करोगे, तो आप ऊपर का जो पार्ट होगा उसको भी लेके आना। मेरे फोटो में ये मिस्टेक है, अगर आपको फोटो में ये मिस्टेक नहीं लगता है तो आप ये वाला प्रोसीजर नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट लाइटरूम में इंपोर्ट करके आप अपना एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अभी पहले फोटो को एडिटिंग करूँगा, इंपोर्ट करूँगा लाइटरूम में, और उसके बाद वो ऊपर का पार्ट हम लगाएंगे। तो हमने अपना फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया है, ये वाला है, इसमें क्रॉपिंग की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, देख सकते हो फोटो बहुत डल लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक कर लेते हैं क्रॉप में, और अपने हिसाब से हम क्रॉप कर लेंगे जितना हमको चाहिए, तो इतना अभी तक ओके लग रहा है मेरे को, और क्या लगेगा देख लेते हैं। इधर फ्रंट टूल वाला आइकन पर जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट का छेड़ लेते हैं, तो प्लस के साइड में रखूँगा। हाईलाइट हम देख लेते हैं, इसको भी प्लस शेड रखेंगे, मैं 24 रखता हूँ। शेडो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे करीब इतना, अच्छा लग रहा है। वाइट्स को भी हम देख लेते हैं, ब्लैक्स को प्लस के साइड रखते हैं, +10। बिफोर आफ्टर अभी तक अच्छा लग रहा है। ग्रुप फोटो में ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वाइट बैलेंस ऑटो पर रखते हैं, अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो बहुत ही थोड़ा स्काई टोन चला गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वाइब्रेंस को हम थोड़ा सा पहले बढ़ाते हैं, अभी तक अच्छा लग रहा है। अगर किसी का फेस पूरा डल दिख रहा है तो उसको हम सिलेक्टिव टूल का मदद से हम कर लेंगे। क्लैरिटी को हम थोड़ा सा माइनस के साइड पर रखेंगे, क्योंकि सभी का फेस थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा, इसलिए ज़्यादा भी नहीं रखना है, नहीं तो अजीब लगेगा। ये फोटो आ गया, ओ सॉरी, ये है हमारा ओरिजिनल फोटो जो कि हम एडिटिंग कर रहे हैं। इसमें बिफोर आफ्टर अभी तक कलर टोन अच्छा लग रहा है, और अभी हम मिक्सिंग कलर का भी यूज करेंगे, कलर मिक्सिंग। क्रॉप में चलते हैं और थोड़ा सा क्रॉप करते हैं नीचे से, बस इतना, ओके। बिफोर आफ्टर अब चेक करते रहना। हम इसमें कॉर्प टूल का यूज करके भी देखते हैं, तो ये फ्रंट टूल वाला आइकन पर क्लिक करोगे उसके ऊपर आपको कॉर्प मिल जाएगा, तो मैं व्हाइट वाला को सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर फोटो अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं, तो इतना अच्छा लग रहा है अभी तक, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टिव टूल का हम यूज करते हैं, ये वाला राउंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ इतना, इसमें कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि इस साइड ज़्यादा ही हमको ब्राइटनेस लग रहा है, ओके। अभी तक थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से देखते हैं। इधर हम ट्रायंगल वाले पर क्लिक करेंगे और इसका नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कलर नॉइज रिडक्शन 20 से 30 तक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है आपको, और हम शार्पनिंग थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें 48 तक, और इसमें मास्किंग कर देंगे करीब इतना। तो डिटेल्स थोड़ा सा आ चुका है हमें, देख सकते हो। कलर मिक्सिंग पर चलते हैं मिक्स में, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्काई को थोड़ा सा हम ह्यू कम करके देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो रखेंगे। सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाएंगे, थोड़ा कलर पॉप होके आ रहा है। ग्रीन का हम यहाँ पे कुछ ऐसा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जैसा लग रहा है। येलो का हम थोड़ा सा ह्यू डिक्रीज कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। और हमारा जो फेस टोन है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सेकेंड ऑरेंज वाला, इसको ल्यूमिनस थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं करीब इतना, ओके है अभी तक। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है।
तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क लग रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे। और इधर हम टेम्परेचर वाले पर जाएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, और हम शेडो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे या तो एक्सपोजर करीब इतना, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो चुका है अभी। टेम्परेचर और थोड़ा लगेगा जैसा लग रहा है, क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं करीब इतना, अभी ओके है अभी, हाँ 12 तक। टिंट को भी हम देख लेते हैं, अभी सही लग रहा है थोड़ा बहुत। और देख लेते हैं अभी कि अगर किसी का फेस ज़्यादा ही डॉल लग रहा होगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो इनका फेस थोड़ा सा ज़्यादा ही डॉल लग रहा है, तो उनको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। सिलेक्टिव टूल का हम यूज करेंगे, टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अभी तक हमारा कलर रिटच हो चुका है। अभी हम पार्ट इंपोर्ट करेंगे इसमें, तो मैं दिखाता हूँ और एक फ़ोटो, तो ये रहा और एक फ़ोटो। तो इसमें भी सेम हमको कलर टोन डालने की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और ये जो हमारा दूसरा फ़ोटो है, इसमें हम इसका ही सेटिंग हम कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी सेटिंग इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी ओके कर लेंगे, और इसमें हम लेफ्ट कर लेंगे ताकि एक टोन आ जाए तो हमको परेशानी ना होगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, तो जो हमारा लिखा है जो हमको हाईलाइट करना है, तो इसको हम सिलेक्टिव टूल का मदद से ऐसे आपको एक ग्रेडियंट बना देना है, और हम इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी डाल देंगे ताकि हमारा जो लिखा है वो अच्छे से मालूम चले। शेडो को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, अभी हल्का हल्का मालूम चल रहा है, तो इसको भी अभी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और फिर हम जाएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में, तो ये रहा हमारा और एक फ़ोटो जो कि हम दूसरी बार इंपोर्ट किए थे। तो इसको हम पहले अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक में इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, इसको मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ, डिस्कार्ड। तो ये हमारा आ चुका है फ़ोटो, और हमारा जो ओरिजिनल फ़ोटो है अभी हम उसको लेके आना है, पिक्चर पर मैं क्लिक करूँगा एडोब लाइटरूम। तो ये रहा हमारा जो ओरिजिनल फ़ोटो जहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना जो पार्ट हम लगाएंगे, तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं करीब इतना। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है या फिर राइट कर देना है। मैं नीचे वाला को हाइट कर दूंगा अभी, और ब्रश हम ये सिलेक्ट करेंगे हार्ड इरेजर, साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और अमाउंट ऑफ इरेज को भी बढ़ा लेते हैं, तो जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा लेना घटा लेना। तो मेरे को ब्रश का फेक थोड़ा सा और बड़ा लगेगा, नीचे का पार्ट हम थोड़ा पूरा इरेज कर देंगे, सिर्फ हम ऊपर का पार्ट रखेंगे क्योंकि नीचे का पार्ट तो हमारा फोटो में ऑलरेडी है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो जैसे मैं इरेज करूँ आपको भी अच्छे से इरेज करना है।
यह है गाइस पुराना वाला फोटो जो कि इनकम्प्लीट था और इसको हमने बना दिया है कम्प्लीट। इसमें मैं दो तीन ठू एप्लीकेशन का यूज किया हूँ, जैसे कि हो गया एडोब लाइटरूम, तो मोड वाला ऐप की मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज करो ताकि आप सारा टूल का यूज कर सकोगे, एडोब लाइटरूम और ऑटोडेस्क स्केचबुक। और अगर आप यूज करना चाहते हो तो रिटच कर सकते हो, और उसके बाद आता है एडोब फोटोशॉप फिक्स और आता है एक स्नैपसीड। तो ये चार पांच टू एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना जरूरी है, तो आप मोबाइल में भी एडिटिंग कर सकते हो। मेरे को उतना फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी अभी, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे को फोटोशॉप का पूरा नॉलेज हो जाएगा उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गाइस टाटा।